शिवराज सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर जताया शोक। बीना में तेज आंधी में ढहा पुराना मकान, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में जहरीले तरबूज बिकने का मामला, घर लाकर तरबूज काटने पर निकलने लगा झाग। पन्ना में जनपद पंचायत का सीईओ 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने की थी छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बाइक सवार को बचाने की कोशिश में 3 बार पलटकर पुल से गिरी बस, हादसे में 17 लोगों की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के राजसमंद जिले के कांकरोली शहर में घुसा तेंदुए का शावक 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजसमंद में खेत में काम कर रहे परिवार पर मधुमक्खियों ने बोला हमला, 3 लोग बुरी तरह से घायल। राजस्थान के कोटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। जैसलमेर में पानी दौरान रिटायर फौजी ने पेड़ पर चढ़कर फंदा लगाकर खुदकुशी की दी धमकी, करीब 2 घंटे बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। दिल्ली और यूपी से धरे गए संदिग्धों पर आज तक का बड़ा खुलासा, देवबंद से पढ़ा एक इमाम घोल रहा था नौजवानों के दिमाग में आतंक का जहर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने वर पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। साउथ दिल्ली के आरकेपुरम में व्यापारी पर लूट के इरादे से हमला, व्यापारी के बचाव में आए उसके साथी को मारी गोली, दोनों घायल एम्स में भर्ती। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते फरार हुए बदमाश। दिल्ली के मंडावली में रोड रेज के बाद गोलीबारी से हड़कंप, 3 गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद आरोपी ने सरेआम दागी गोलियां। गाजियाबाद पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मिली छात्र की लाश, परिजनों ने लगाया प्रेमिका के घर वालों पर कत्ल का आरोप। शाहजहांपुर में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में एक मासूम की मौत, दूल्हे के बड़े भाई की गोली से बारात देख रहे 8 साल के मासूम ने तोड़ा दम। मुजफ्फरनगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की मौके पर मौत। कौशाम्बी में बोरवेल के अंदर बाप बेटी का शव मिलने से हड़कंप, घर वालों ने संपत्ति के लिए रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। हरिद्वार के कनखल की गंग नहर में नहाने पहुंचे 2 छात्र डूबे, छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस, दिल्ली से हरिद्वार परीक्षा देने गए थे छात्र। फतेहपुर में रिश्तेदार के घर गई नाबालिग लड़की को अगवा कर 12 दिनों तक गैंग रेप, दरिंदों के चंगुल से छूटकर पीड़ित ने सुनवाई आप बीती, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ में 10वीं की छात्रा से रेप के बाद आरोपी ने बनाया एमएस, पड़ोस के लड़के पर लगा आरोप। यूपी के बुलंदशहर में नगर पालिका के गड्ढे में गिरा 11 साल का मासूम, 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान। बिजनौर के बौरीवाला गांव में पानी की तलाश में जंगल से भटककर एक घर में घुसा तेंदुआ, 7 घंटे बाद वन विभाग की गिरफ्त में आया। मुगलसराय में रेलवे कॉलोनी में पुराने क्वार्टरों पर चला बुलडोजर, इन घरों को कई साल पहले असुरक्षित घोषित किया गया था। कानपुर के एक नामी स्कूल में डांस टीचर पर 4वीं की छात्रा से रेप का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मथुरा में एक ट्रक से 650 पेटी शराब बरामद, ट्रक को कब्जे में लिया, 2 लोग भी गिरफ्तार। हरदोई में 22 साल के युवक का खेत में मचान से लटकता मिला शव, पुलिस को प्रेम संबंधों में हत्या का शक। बरेली में मेडिकल के छात्र का अपहरण, बदमाशों ने परिजनों से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। मैनपुरी में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और पूर्व एमएलसी राम नरेश अग्निहोत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस को धमकाने का आरोप। लखनऊ में ग्राम विकास विभाग में तैनात 62 साल के कर्मचारी ने दफ्तर की बिल्डिंग से कूदकर की खुदकुशी, साथियों ने कहा प्रमोशन नहीं मिलने से था परेशान। फरुखाबाद में गिरफ्तार लेडी डॉन मीरा जाटव ने पुलिस हिरासत से की भागने की कोशिश, जेल ले जाते समय पुलिस जीप से कूदी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा में फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर बन लोगों से उगाही करने वाला शख्स गिरफ्तार, राशन के कोटेदारों से करता था उगाही।
बांदा में भूख से मरने वाले नत्थू के परिजनों को यूपी सरकार से मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। मामले में लेखपाल और पंचायत सचिव निलंबित। लखीमपुर खीरी में प्रशासन की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद। खुले आसमान के नीचे रखी थी बोरियां। मुंबई के गौतम नगर में लगी भीषण आग, आग से लगभग 100 झोपड़े जलकर खाक। फायर विभाग की 10 से अधिक गाड़ी आग बुझाने में लगी। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बीती रात स्टंट बाइकर्स ने मचाया हुड़दंग। पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रक के नीचे आकर स्कूटी सवार की मौत। मुंबई में तेज रफ्तार डंपर ने बेस्ट की बस को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। बॉलीवुड में बड़े सितारों के साथ काम दिलाने के नाम पर ब्रिटेन की रहने वाली एनआरआई महिला से मुंबई में छेड़छाड़, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पुणे रेलवे स्टेशन पर विजयवाड़ा के 3 पार्षद गिरफ्तार, सभी पर शराब के नशे में, एक महिला से छेड़खानी का आरोप। यूपी में सूखे की सियासी पटरी पर वाटर एक्सप्रेस के थमे पहिए, सीएम का बयान, बुंदेलखंड को नहीं चाहिए केंद्र से मदद, लेकिन झांसी में वैगनों में पानी भरना जारी। अलवर में पानी को लेकर महिलाओं का तपती धूप में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, जमकर किनारेबाजी। सिंगरौली में फर्जी शौचालय की तस्वीरों पर भड़की महिला अफसर, सबके सामने ग्राम पंचायत सचिव से लगवाई उठक बैठक। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? गंगा नियंत्रण के लिए टेस्ट में फेल हुई यूपी पुलिस, कन्नौज में आईजी के सामने बंदूक देकर पुलिस वालों के फूले हाथ पांव, कई फंसी गोली तो किसी ने तानी उल्टी बंदूक। मथुरा में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने नशे में धो धोकर जमकर किया ड्रामा, सबके सामने सड़क पर लूटपोट। आज अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, सोनिया और राहुल की अगुवाई में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, जंतर मंतर से संसद तक होगा मार्च। आज अपने आला मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद में और सड़क पर कांग्रेस की विरोध रणनीति का तोड़ निकालने पर होगी चर्चा। आज लोकसभा में गूंजेगा अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी का मुद्दा, दोपहर 12 बजे होगी मुद्दे पर चर्चा। चर्चा के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर निचले सदन में देंगे जवाब, कांग्रेस नेताओं पर हमले के साथ रिश्वतखोरी में शामिल, कुछ और नामों का करेंगे खुलासा। आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बीजेपी सांसद, अगस्ता रिश्वत कांड पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, घटना के विरोध में ग्रामीणों ने एनएच पर लगाया जाम। बरौनी जंक्शन के पास ट्रेन में शराब पीकर हंगामा कर रहे आर्मी के 3 जवान गिरफ्तार, महिलाओं के साथ बदसलूकी का भी आरोप। गया में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, घटना के बाद घरों में पसरा मातम। बेतिया में मिलावटी शराब से एक शख्स की मौत के बाद जागा प्रशासन, शहर में छापेमारी कर 50 लीटर कच्ची शराब जब्त की, 6 लोग भी गिरफ्तार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने समस्तीपुर में 12 चिरागा शाह रहमतुल्ला की दरगाह पर चढ़ाई चादर, सूबे में अमन चैन की मांगी दुआ। शेखपुरा में पंचायत चुनाव से पहले 1000 लीटर देसी शराब बरामद, जर्जर हो चुके अस्पताल के एक कमरे में भूसे के ढेर में दबा दिया था। बिहार में शराबबंदी कानून की खुली पोल, कटिहार में डीएम दफ्तर के सामने पार्क में शराब के नशे में बेसुध मिला बीएमपी का जवान। बिहार के गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली विनोद कुमार मेहता उर्फ मरांडी को गिरफ्तार किया। दरभंगा में दहेज नहीं मिलने पर एक लड़की के घर शादी से चंद घंटे पहले नहीं गई बारात, लड़की वालों ने अचानक 1 लाख रुपए की कर दी मांग। असम के डिब्रूगढ़ में 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस कर रही है पूछताछ। जयपुर में शराब पानी से मना करने पर एक एएसआई ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, बाद में ट्रेन के आगे कट करके खुदकुशी।
बीकानेर में एक हेड कांस्टेबल की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। अलवर में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर सड़क पर पलटी, हादसे में एक की मौत, 6 घायल। जैसलमेर में एक साथ 3 बोलेरो गाड़ी चुराकर फरार हुए चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में कुएं की खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी में दबकर 2 मजदूरों की मौत। दौसा में बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी ब्रांच मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या, हत्यारों को पकड़ने के लिए शहर में नाकेबंदी। धौलपुर में ठगी के आरोप में एक हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, 25 लाख की ठगी का इल्जाम। जयपुर में 16 साल की छात्रा ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, खुदकुशी की वजह का भी पता नहीं। जयपुर के पास बस्सी में ईंट भट्टे पर काम करने वाले कई बच्चे बीमार, 7 बच्चों को सीएचसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर में बिजली विभाग के इंजीनियर दफ्तर में तैनात कर्मचारी 10,000 घूस लेते पकड़ा गया, एसीबी टीम ने की गिरफ्तारी। अमृतसर में एक थाने के बाहर 2 गुटों में फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। पठानकोट में फसल का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों का प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान के सीकर में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुवाहाटी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने की एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में 3,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए 2 कर्मचारी, एसीबी की टीम ने की गिरफ्तारी। राजस्थान के अलवर में शराबबंदी को लेकर गुलाबी गैंग का आंदोलन जारी, ठेके पर शराब लेने आए एक शख्स की जमकर की पिटाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शेर के खाल के साथ 4 लोग गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाल की कीमत करीब 50 लाख रुपए। झारखंड के खूंटी में हथियार के साथ पकड़े गए 5 नक्सली, 3 दिन पहले गांव में घुसकर बाप बेटी की हत्या में भी शामिल थे। जीवीएम के मुखिया बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की, कहा बिहार से ज्यादा झारखंड में जरूरी। जामताड़ा में भीषण गर्मी से बेहाल लोग, 40 के पार पहुंचा तापमान, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। अगस्ता घूसकांड में संसद में कल फिर हुआ हंगामा, कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाया बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी का मुद्दा, आज तक ने दिखाई थी खबर। अगस्ता केस में पूछताछ के लिए आज ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, ईडी ने डील में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर भेजा था नोटिस। स्टिंग विवाद में घिरे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की बड़ी मुसीबत, सीबीआई ने सोमवार को पूछताछ के लिए भेजा समन। नाबालिग मणिपुरी लड़की से रेप के आरोपी, गोवा के निर्दलीय विधायक बाबूश ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, आरोपों से किया इनकार। जेएनयू में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की बिगड़ी तबियत, कैंपस के मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। रेलवे ने मीडिया में आईआरसीटीसी की साइट हैक करने की खबर को किया खारिज, कहा खबरों में कोई सच्चाई नहीं। अभिनेता आमिर खान ने महाराष्ट्र के अमरावती का किया दौरा, सत्यमेव जयते कार्यक्रम के तहत पानी बचाने की मुहिम में अव्वल आने वाले गांव को दिया अवार्ड। राजस्थान के नागौर में प्याज की बंपर पैदावार होने पर भी किसान संकट में, मंडी में 5 से 7 रुपए किलो मिल रहा भाव। कोर्ट की दखल के बाद रेलवे में दिव्यांग कोटे से 30 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी, लेकिन कई अभ्यर्थियों को रेलवे ने सफाई के काम में लगाया।
पटना के बेउर जेल में अब कैदियों को अपनी लेखनी दिखाने का मिलेगा मौका, जेल से निकाली जाएगी पत्रिका। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। पूरे राज्य में गर्मी से अब तक 152 लोगों की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश के बाद जंगलों में लगी आग पर काबू, 15 दिन से धधक रही थी आग। उत्तराखंड के पहाड़ों में कई जगहों पर झमाझम बारिश, हल्द्वानी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल में सोलन समेत कई जगहों पर जोरदार बारिश, बारिश के कारण सोलन में 28 डिग्री से गिरकर 12 डिग्री पहुंचा तापमान। बाड़मेर में धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में तूफानी हवाएं, बिजली गुल होने से छाया अंधेरा। मॉर्निंग आज तक पर आप देख रहे हैं, आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम जिसमें सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक नए अंदाज नई प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाते हैं हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जिनका आपसे सरोकार है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर ये कि अगस्ता कांड में फंसी कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है और इसके तहत सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी आज अब से कुछ ही देर बाद मार्च निकालने वाली है, जिसे नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ मार्च। लेकिन देखना यह होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिनकी अगुवाई में यह मार्च निकलेगा जंतर मंतर से लेकर संसद तक, क्या वाकई ये वो जवाब सत्ता पक्ष को दे पाएगा जिसकी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। और इस बीच देखिए आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनकी अगुवाई में जंतर मंतर से ये मार्च निकलेगा, यानी सड़क से लेकर संसद तक की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। ये तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार, हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़क पर निकले हैं। तो ये लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी की है उसको संसद और सड़क तक ले जाने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई यहां से वो जमीन तैयार हो पाएगी जिसके तहत गांधी परिवार जिन आरोपों में फंसा है, या कांग्रेस पार्टी जो अगस्ता कांड के बाद बैकफुट पर आ गई है वहां से कुछ जवाब देने की हालत में होगी या नहीं। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ। प्रसून जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही कि क्या वाकई यहां से कांग्रेस पार्टी इस रणनीति को और इस मार्च को वो विस्तार दे पाएगी जिसके तहत संसद में जवाब मिल पाएगा सत्ता पक्ष को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के, चलिए हम आपको प्रसून जी से हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, मार्च की तैयारी पूरी और इसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे हैं, बैनर पोस्टर नारेबाजी ये सब कोशिश तो है। लेकिन जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने सदन में लगाए हैं, क्या उन आरोपों के जवाब पार्टी को यहां से मिलते हैं और उन्हें मजबूती से सदन में रखा जाता है, यह देखना होगा। और इस मार्च से पहले हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस के नेताओं से बात की कि क्या रणनीति उनका रहेगी, देखिए। जंतर मंतर में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू होने वाला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस मंच पर मौजूद होने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह और किरण चौधरी मौजूद हैं। किरण जी, क्यों आखिर जरूरत पड़ी मार्च की? क्योंकि बीजेपी कह रही है आप लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, आपका नेतृत्व भ्रष्टाचारी है। बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं, पिछले 2 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान देख चुका है कि किस तरह से इनकी जो नीतियां हैं उसमें पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, किसान अलग मर रहा है, पानी है नहीं, कोई इनकी जो नीतियां हैं वो कोई सफल हो नहीं रही हैं। तो किस तरह से ध्यान भटकाया जाए ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आप जानते हैं प्रजातंत्र का जो है गला घोटने की पूरी तरह से इन्होंने कोशिश करी है। अरुणाचल के अंदर आपने देखा इलेक्टेड सरकार को इन्होंने बर्खास्त करा, उत्तरांचल के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर भी यही काम करा है। और अब जब इन्हें मालूम आ चुका है कि आने वाले 5-3 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे कांग्रेस दोबारा से धड़ाके के साथ सरकार बनाएगी, इसलिए गांधी को टारगेट करा जा रहा है ताकि ध्यान जो है वो बांटा जा सके।
आरपीएन सिंह जी, जिस तरीके की नीति है सरकार की, आप लोगों को बड़ी बड़ी नाराजगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हो, सोनिया गांधी राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं, अहमद पटेल पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए आप लोग डर करके ये मार्च निकालने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 60 साल से सिर्फ र्यूमर मॉन्गरिंग पे भी है, उन्होंने सिर्फ झूठे आरोप लगाए हैं, पर भूल गई है भारतीय जनता पार्टी की 2 साल से वो हुकूमत। तो कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ तैयार है, मंच जंतर मंतर पर सज चुका है, गांधी परिवार की अगुवाई में ये मार्च होगा। इस पर हम बने हुए हैं इस खबर पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। सुर्खियां वॉज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देसी घी। Love easy? The Vento Automatic is now easy to own. At just 5.99% interest. The Vento Automatic. Volkswagen. सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है? इस नूडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण, झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ पतंजलि आटा नूडल्स। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन धा। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आपको पता हो ना हो, बेहतरीन इंडियन ज्वेलरी की कारीगरी ज्यादातर कोलकाता में होती है। सेनको की कारीगरी, सेनको मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ कोलकाता। लायरा, लेगिंग्स फॉर एनी टाइम एनीवेयर। विक्टर चला चल रही आराम की सवारी, मुस्कुराए मम्मी पापा गुड़िया। गुड़वा सारे झमेले, हम आराम से चले, फैमिली को साथ लेके भैया। ये टूटे फूटे रास्ते आराम से हम काट दे, विक्टर पे यूं ही गुजर जाते, अंधेरे रोशन कर जाते, सबके आराम के वास्ते विक्टर पे मिलो चलती जाए। पेश है टीवीएस विक्टर, अब एक नए अंदाज में, इतना आराम कि दिल छेड़े खुशी की तान। नया टीवीएस विक्टर, मिलो चलती मुस्कान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकतंत्र बचाओ मार्च, इस तैयारी के साथ आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर से लेकर निकलेगी संसद तक। गांधी परिवार की अगुवाई में ये मार्च होगा और यहां पर तैयारी कांग्रेस पार्टी की है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसे अगस्ता कांड में घेरा है, गांधी परिवार पर तमाम आरोप लगाए हैं, उनका जवाब आज इस मार्च के जरिए कांग्रेस पार्टी दे पाए। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पर मंच भी सज चुका है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं, नारेबाजी पोस्टर के साथ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। लेकिन ये आवाज जो आज जंतर मंतर से निकलेगी, सदन तक जाएगी या नहीं, या जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं राज्यसभा में, उसके अलावा इटालियन कोर्ट के फैसले में जो गंभीर बातें कही गई हैं, क्या उन तमाम आरोपों पर, उन तमाम फैक्ट्स पर कांग्रेस पार्टी जवाब दे पाएगी और यह रणनीति कामयाब हो पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबके बीच मुद्दा सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड केस का नहीं, बल्कि और भी कई मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बैकफुट पर इस पूरे सत्र में अब तक रही कांग्रेस पार्टी अगस्ता घूसकांड की वजह से, लेकिन अब यहां पर फायर बैक करने की तैयारी है, एक बार फिर हल्ला बोल की तैयारी है और इसको लेकर गांधी परिवार आज जंतर मंतर पर उतरेगा और वहां से सदन तक ये मार्च किया जाएगा।
सदन में मर्यादा तोड़ने का विरोध, इसको लेकर मुद्दा उठाएगी कांग्रेस पार्टी। केंद्र के कई फैसलों के विरोध में भी ये लोकतंत्र मार्च है। साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ ये पैदल यात्रा है। विश्वविद्यालय में छात्रों की आवाज दबाने का विरोध है। तो सिर्फ अगस्ता घूसकांड नहीं, बल्कि वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर सरकार से शिकायत रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। इसी बीच आज लोकसभा में भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बयान देंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही इस तस्वीर के बीच क्या वाकई आज चल भी पाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। केंद्र के कई फैसलों को लेकर ये लोकतंत्र बचाओ मार्च आज कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। और दिल्ली की सड़कों पर आज जो नजारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये दिखाई दिया वो आपके सामने, हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये कार्यकर्ता निकले हैं। बीजेपी और सत्ता पक्ष के ऊपर हल्ला बोल की तैयारी है। और सिर्फ अगस्ता घूसकांड का मसला नहीं है, उसके अलावा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विश्वविद्यालयों से जुड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को बेवजह सदन में घेरने का मुद्दा, तो ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए आज तक। Music, please. Macho. बड़े आराम से। मेहमान भी कलाकार दीवार पे, इसलिए Berger Easy Clean Paint with cross-linking polymers. दीवार पे न दाग न धब्बा। आँखों में डर है ना, मायूसी का है गम, जिद हमारी पक्की है, जोश है हर दम, अब ना हम रुकेंगे, किरण बन के रोशनी की साजी हर जीतेंगे। बूंद बूंद में शक्ति और रग रग में विश्वास भर पराग मिल्क फूड्स विद द गुडनेस ऑफ काउज मिल्क। बजाज कूलर, क्योंकि सिर्फ बजाज कूलर्स देते हैं सराउंड कूलिंग, यानी कि घर के कोने कोने में ठंडी हवा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वी आर फैमिली। अब स्लीपवेल मैट्रेसेस के साथ आपको मिलेगा एक कंफर्टर या बेडशीट सेट बिल्कुल मुफ्त। स्लीपवेल माय मैट्रेस, सोना है तो जागिए। इलायची दाने दाने में केसर का दम। कम दाम बड़ा काम, सैनिक प्लाईवुड हमेशा तैयार। सुनो कितना सुनोगे? बचपन में अपनी माँ की सुन ली, स्कूल में मास्टर जी की, और गेम में कोच की, सबकी सुन ली। अब जरा अपने दिल से पूछो कि इसे क्या चाहिए। सुनो और बनो। सुनो तो अपने दिल की लक्स कोजी फैब्रिक कलर स्टाइल फिट। डूड, अब मेरी क्या सुन रहे हो? सुनो तो अपने दिल की। तो एक तरफ जंतर मंतर से आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मार्च की शुरुआत करेगी, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं गांधी प्रतिमा के सामने संसद परिसर के अंदर। उनका आरोप यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है उसका विरोध प्रदर्शन हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, गांधी प्रतिमा के सामने एनडीए के सांसद विरोध करते हुए। सांसदों का यह कहना है कि सच सबके सामने आना चाहिए, अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर चिंता किस बात की है। तो धरना देते हुए एनडीए के सांसद यहां गांधी प्रतिमा के सामने। तो ये दो तरफा विरोध की तस्वीर आपको हमने दिखाई, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर से लोकतंत्र बचाओ मार्च की शुरुआत करने वाली है कुछ ही देर में, और यहां दूसरी तरफ धरना देते हुए एनडीए के सांसद।
तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जंतर मंतर से हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी उनके पास जाएंगे हम ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। ठीक है मैडम जी, कुछ गड़बड़ है। तुम स्टेबलाइजर को सेंटर में डाल दो। इन्वर्टर एसी है मैडम जी। तो एसी को साइड में रख दो ना, या नीचे रख दो। क्या वी गार्ड का एसी स्टेबलाइजर दिखे इतना स्टाइलिश के बस परफेक्ट है। India's number one stabilizer. तो आप डांस करोगे? Okay. Music, please. Macho. बड़े आराम से. अब बाहर के पोल्यूशन का है एक ठंडा सॉल्यूशन. Bless you. नए सिंफनी.